हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत सारी परतों वाली, बहुत सारी लेयर्स वाली खस्ता नमकीन। ये नमकीन आप त्योहारों पे बना सकते हैं, नाश्ते के तौर पे बना सकते हैं, शाम को चाय के साथ खाइए, बहुत ही बढ़िया लगता है ये, और बनाने में भी कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं ये खस्ता नमकीन बनाना। ये नमकीन बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा। हम एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसके अंदर हम दो कटोरी, आप मेरा बोल देख रहे हैं, इस बोल से मैंने यहाँ पे दो बोल के करीब, दो कटोरी के करीब मैदा लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे अजवाइन। अजवाइन को हम अपने हाथों पे इस तरीके से थोड़ा सा रगड़ के डालेंगे। इससे क्या होता है कि जो टेस्ट है काफ़ी अच्छा आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी। अब हम इसके अंदर डालेंगे दो बड़े चम्मच से, दो चम्मच के करीब कसूरी मेथी। इसे भी हमें अपने हाथों पे इस तरीके से रगड़ के डालना है। अब हम इसके अंदर डालेंगे आधा बोल के करीब रिफाइंड ऑयल। जिस बोल से हमने मैदा लिया था उसी बोल से हम इसमें रिफाइंड ऑयल डाल रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक, स्वाद अनुसार नमक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसे अपने हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, ऐसे ही हमें मिक्स करना है। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और आप देख पा रहे होंगे ये हमारा सारा मिक्स हो गया है। ये देखिए इस तरीके से ये इकट्ठा हो रहा है, ये बाइंड हो रहा है, इसका मतलब ये बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे, पानी ऐड करेंगे, वो भी हमें इकट्ठा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। थोड़ा पानी डालेंगे फिर मिलाएंगे, फिर पानी डालेंगे फिर मिलाएंगे, इस तरीके से हमें करना है क्योंकि हमें इसका एक टाइट डो रेडी करना है। थोड़ा सा पानी डालेंगे हम फिर से इसके अंदर और फिर से हम इसे इस तरीके से नीड करेंगे। याद रहे जो डो है हमारा वो गीला नहीं होना चाहिए, जैसे समोसे का डो होता है बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसका डो रेडी करना है। और ये देखिए जो हमारा डो है रेडी हो गया है। ये देखिए आपको देख के लग रहा होगा कि जो डो है हमारा बहुत सॉफ्ट नहीं बना है, ये देखिए। तो हमें कुछ इस तरीके का जो डो है वो रेडी करना है। अब हम इसे ढक के रख देंगे, एक प्लेट से हम इसे ढक के रख देंगे सिर्फ 5 मिनट के लिए। और ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं और जो हमारा डो है थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो गया है। अब हम ये जो आटा है ये पूरा लेंगे, इसमें से दो हिस्से करेंगे और एक हिस्से को इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप देंगे और इसमें से छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। बिल्कुल उतने ही टुकड़े करने हैं जितना हम एक रोटी के लिए लेते हैं, उतना उतना टुकड़ा हमें करना है। तो हमें ये 4 टुकड़े चाहिए, हमें 4 लेयर बनानी है, रोटी की 4 लेयर लगानी है, इसलिए हमें 4 टुकड़े चाहिए। एक हिस्से को लेके हम इस तरीके से गोल करेंगे, एक गोला बनाएंगे और फिर हम इसे इस तरीके से दबा के बेलेंगे। बेल के हमें रोटी का आकार देना है। और ये हमने बेल लिया है, ये देखिए इस तरीके से हमें ये इतना पतला रखना है, पतला सा बेलना है हमें। और एकदम गोल नहीं बना तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें इसे रोल ही करना है, रोल करके कट करना है। और इसी तरीके से हम बाकी सारे को भी बेलेंगे। तो ये हमने चारों को बेल लिया है। अब हम एक रोटी को लेंगे, उसके ऊपर ये देखिए ये है मैदा। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच के करीब मैदा लिया है, इसके अंदर मैं डालूँगी 5 से 6 चम्मच के करीब ऑयल।
तेल डालेंगे हम रिफाइंड ऑयल और इसे हम मिक्स कर लेंगे चम्मच की हेल्प से। कुछ इस तरीके का रखना है हमें, इतना पतला होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, एक चम्मच के करीब इसके ऊपर डालेंगे और इस तरीके से हम चारों तरफ अच्छे से लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर जो दूसरी रोटी है वो हम इसके ऊपर रखेंगे और फिर से हम एक चम्मच के करीब ये जो ऑयल और मैदा है वो हम इसके ऊपर डालेंगे और फिर से इस तरीके से हम अच्छे से चारों तरफ लगाएंगे और फिर से अब हम इसके ऊपर तीसरी रोटी रखेंगे। इस तरीके से हमें करना है और चारों रोटियों को एक के ऊपर एक रखना है। और ऊपर की तरफ भी हम थोड़ा सा ये लगाएंगे। ये देखिए जो हमारे चारों लेयर्स हैं, चारों रोटियां हमने एक के ऊपर एक रख दी है। अब हम ये ऊपर की तरफ से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। एकदम टाइट टाइट फोल्ड करना है हमें, लूज फोल्ड नहीं करना है। रुकिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए इस तरीके से हमें रोल करना है इसे। ये सारा रोल हो गया है, अब हम इसे इस तरीके से करेंगे। तो हाथों से हमने इसका जो शेप है थोड़ा सा और बड़ा कर दिया है। ये देखिए थोड़ा सा ऐसा खींच के और थोड़ा सा ऐसे हाथों से रोल करके इसे हमने थोड़ा बड़ा कर दिया है। अब हम किनारे जो हैं उसके कट कर लेंगे। दोनों साइड के जो किनारे हैं हम उसे कट कर लेंगे। अब हम छोटे छोटे टुकड़ों में इसे इस तरीके से कट करेंगे। ये सारा कट हो गया है। ये देखिए जो इसकी लेयर्स हैं अंदर से कैसे कितनी बढ़िया दिख रही हैं। अब हम इसे इस तरीके से दबा देंगे। जो थोड़ा खुल गया है उसे हमें इस तरीके से उसे प्रेस करके चिपका देना है और दबा देना है। अब हम इसमें से एक लेंगे और इसे हमें बेलना है। इसे हमें बहुत बड़ा नहीं करना है, बस हल्के हाथों से बेल के छोटा सा एकदम छोटी सी पूरी की तरह इसे हमें बेलना है। ये देखिए साइज़ हमें इतना ही रखना है। इसी तरीके से हम बाकी सारे को भी बेलेंगे और बाकी जो आटा है उसका भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। ध्यान रहे बहुत प्रेस करके हमें नहीं बेलना है। और ये देखिए हमने सारा बेल लिया है। अब हम गरम तेल में इसे डालेंगे। हमारा तेल गरम हो गया है, अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तेल यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं होना चाहिए। जिसका फ्लेम है मैंने काफ़ी कम कर रखा है, काफ़ी ये स्लो है अभी, काफ़ी लो फ्लेम पे मैं इसे फ्राई करूँगी। और ये देखिए ये ऊपर की तरफ आ गया है। अब हम इसे पलट देंगे। इस तरीके से हमें पलट पलट के इसे फ्राई करना है और इसे हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक जो इसका कलर है वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और आप देख पा रहे होंगे इसमें जो लेयर्स हैं वो भी दिख रही हैं हमें। और इसे हल्के हाथों ही इस तरीके से हमें पलटना है, नहीं तो ये क्या होता है कि टूट भी जाता है, लेयर्स इसकी खुल जाती हैं। इसलिए इसके अंदर बहुत सारा एक साथ नहीं डाल के फ्राई करना है, कम कम डालेंगे तो लेयर्स भी अच्छे से खुलेंगी और फ्राई भी अच्छे से हो जाएगा। याद रहे हमें इसे धीमी आंच पे ही फ्राई करना है, तभी इसमें अच्छी लेयर्स आती हैं। और ये देख पा रहे होंगे आप फ्राई हो गया है। ये देखिए इसकी लेयर्स भी कितनी बढ़िया दिख रही हैं। अब हम इसे ऑयल में से निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम बाकी सारे को भी फ्राई करेंगे। ये सारे हमारे फ्राई हो गए हैं, अब हम इसे प्लेट में सर्व करेंगे। ये देखिए कितने बढ़िया दिख रहे हैं, ये सारी जो लेयर्स हैं वो भी सब कितनी बढ़िया दिख रही हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए जो परतें हैं कितनी बढ़िया दिख रही हैं ये।
और ये अंदर तक अच्छे से फ्राई हुआ है। तो इस दिवाली आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए, मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ, आपको इससे पता चलेगा कि ये रियली बहुत ही क्रिस्पी बना है। ये देखिए, हाथ बंद करते ही ये देखिए पूरा चूरा हो गया। रियली बहुत ही बढ़िया बना है, बहुत ही टेस्टी बना है। एक बार इसे आप ज़रूर ट्राई करें।